आजमगढ़ की मंडलीय जिला चिकित्सालय में स्ट्रेचर के लिए मरीज के परिजन भटक रहे हैं और उन्हें मजबूर होकर मरीज को ऑपरेशन के बाद कंधे पर ले जाना पड़ रहा है। यही नहीं, अस्पताल की हालत यह है कि डॉक्टर बाहर से दवाइयां लिखते हैं और इस मामले में प्रभारी आपको बताएं कि SIC डॉक्टर प्रमोद का दावा है कि अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी नहीं है। तो आपको बता दें कि जो अस्पतालों में स्थिति यह है कि स्ट्रेचर की कमी पड़ रही है, मरीज परिजन को भटकना पड़ रहा है मरीज के लिए। आपको बता दें कि मरीज जो है उनको स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से परिजनों को कंधे पर उठा करके मरीज को ले जाना पड़ रहा है। आए दिन मरीजों को मुसीबत उठानी पड़ रही है, मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। आजमगढ़ में मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मरीज परेशान है, मरीज को कंधे पर लेकर के परिजन भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन अस्पताल के प्रशासन किसी भी तरीके की इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। इमरजेंसी में स्ट्रेचर तो उपलब्ध है, मैं तो सुबह में भी आया हूँ, मैं देखा कि वहाँ स्ट्रेचर है, एक पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटा हुआ भी था। मैं उस पेशेंट के पास गया, पेशेंट कहीं बाहर में ऑपरेट हुआ था, सर्वाइकल का था, सर्वाइकल इंजरी का था, वो रेफरल के लिए आया था, तो उसको मैंने उसी समय जो है उस पेशेंट को तो स्ट्रेचर मिला। मेरे सामने भी मैं गया तो कई दो तीन स्ट्रेचर वहाँ खड़े हुए थे। मरीजों कहाँ चूक हुई है मैं नहीं बता सकता।